गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस पजल टाइम पेज नंबर 29। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी आर फोर टीचर्स इन स्कूल। मतलब चार टीचर्स हैं, मिस्टर ए कैन टीच साइंस एज वेल एज मैथ बट नॉट संस्कृत। मिस्टर बी कैन टीच साइंस ओनली, मिस्टर सी कैन टीच साइंस एज वेल एज संस्कृत बट नॉट मैथ, मिस्टर डी कैन टीच मैथ्स ओनली। अब जो है यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ फॉर विच सब्जेक्ट देर इज ओनली वन टीचर, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका सिर्फ एक ही टीचर है। देखो संस्कृत ये नहीं पढ़ा सकते, इसके जो आंसर आएगा वो आएगा संस्कृत। देन हाउ मैनी टीचर्स कैन टीच टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट कौन से टीचर जो पढ़ा सकते हैं, साइंस ये पढ़ा सकते हैं, साइंस ये भी पढ़ा सकते हैं, दो एंड साइंस टीच ओनली, तीन टीचर साइंस पढ़ा सकते हैं, इसका तो तीन थ्री। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी टीचर्स कैन टीच टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर पढ़ा सकते हैं, तो मिस्टर ए भी दो पढ़ा सकते हैं और मिस्टर सी भी, मिस्टर बी एंड डी वो साइंस पढ़ा सकते हैं और ये ओनली संस्कृत। ठीक, हाउ मैनी टीचर्स कैन टीच साइंस, मतलब कितने टीचर हैं जो साइंस पढ़ा सकते हैं। देखो मिस्टर ए तो पढ़ा सकते हैं साइंस, मिस्टर बी भी साइंस पढ़ा सकते हैं और मिस्टर सी भी, थ्री टीचर्स एंड पी क्यू एंड आर थ्री सिटीज, पी एंड आर नॉट हिल स्टेशन, हिल स्टेशन नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पी एंड क्यू आर नॉट ए हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब कि बहुत पुरानी, मतलब कि हिस्ट्री के प्लेस नहीं है, एंड सिटी आर हैज नॉट इंडस्ट्रीज, जो सिटी आर है उसमें इंडस्ट्रीज नहीं है, पी एंड क्यू आर नॉट अलाइक, फिल द टेबल यूजिंग ये। ठीक है जी, अब इसमें दिया है इन विच सिटी विल यू फाइंड ए लॉट ऑफ ओल्ड मोनूमेंट्स। देखो पी एंड जो है, पी एंड क्यू एंड आर थ्री सिटी, पी एंड आर हिल स्टेशन नहीं है, पी एंड क्यू हिस्टोरिकल स्टेशन नहीं है, तो जो है इसमें आएगा आंसर आर। ठीक, बिच सिटी इज नाइदर हिस्टोरिकल सिटी और नॉट इंडस्ट्रियल, तो वो क्यू है। ठीक, बिच टू सिटीज आर नॉट इंडस्ट्रियल सिटीज, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। ठीक, अब आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, इसमें क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग में एल्टन जो है, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको चेंजेस कर देते हैं। इन ए सर्टेन कोड मंडे इज रिटन ओ डी बाई एम एन ए, तो इसमें क्या किया गया है, इवन ओड 2, 4, 6 नंबर के आगे ले लिए हैं एम एन ए, तो इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ये नवंबर में भी ओ ई वी ओ ई बी एंड आर, ऑप्शन ए ठीक है इसका। इन सर्टेन कोड्स ब्लू इज रिटन ई बी एल यू, अब देखो पहले इसमें आया ई ई पहला डिजिट और लास्ट के डिजिट, ई के बाद बी ले लिया और एल के बाद यू ले लिया, तो इसमें जो बनेगा फ्रेंड्स में पहला सबसे पहला आएगा डी एफ आर आई ई एन डी आर आई ई एन, ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि उन्होंने पहला लेटर और लास्ट का लेटर लिया था। इन ए सर्टेन कोड बिंग्स इज रिटन जी पहले आ गया इसका, इन्होंने उल्टा कर लिख दिया जी एन आई डब्लू, तो इसमें क्या लेंगे अप्रोच में H एच सी ए ओ आर डबल पी ए, ऑप्शन वन। इन सर्टेन क्लोड अंकल इज रिटर्न एच एक्स क्यू एफ ओ एच यू वी डब्लू एक्स, यू के बाद क्या आता है U V W X, टू लेटर छोड़कर थर्ड लेटर O P
ओपी क्यू, मतलब कि दो डिजिट, दो जो लेटर हैं वो साइलेंट है इसमें। तो इसमें एम, यहाँ आएगा पी, ओ पी क्यू आर, तो पी आर इसमें आ रहा है, पी आर कहीं नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ये रहेगा। उसके बाद इन सर्टेन कोड मार्केट इज, तो इसमें जो पहला लेटर पहले आ रहा है एल एम, ए के बाद बी, देखो जो पहले लेटर में लिख रहे हैं तो पहले, उससे पहले का लेटर लिख रहे हैं एल एम ए बी, उससे पहले तो कुछ आता ही नहीं। आर के पहले क्या आता है क्यू, के बाद आता है एल, डी के पहले क्या आता है के बाद, देखो एक तीन एंड पाँच, और दो चार और छः, जो हमारे ओड नंबर थे, ओड लेटर्स हैं वे तो आएंगे, एक लेटर पहले का लिखेंगे, और जो हमारी इवन नंबर है उसमें बात का, उसके पहले का लेटर आएगा और एम से बात का आएगा। ओड में मतलब कि जो फर्स्ट लेटर जो पहले का आएगा उसमें ए के बाद बी का आएगा, तो यहाँ जो आएगा तो इन्होंने दिया है उसी प्रकार सोप को हम क्या लिखेंगे एक तीन, यहाँ आएगा आर, एच का आएगा जी, एच के बाद तो आई आता है, यहाँ आएगा एन, पी के बाद आता है क्यू, तो ऑप्शन डी ठीक है इसमें। अब इसमें आता है इन सर्टेन कोड मैंगो इज रिटन एज एम एन एन एम जी जी रहेगा, ओ के बाद पी आएगा, तो इसी प्रकार बी के बाद आता है सी, आर आर रहेगा, आई के बाद बी सी आर, इसमें क्या है एम के बाद एन आया, ए ए रखेंगे, और एन एम के बाद एक पहले का लेटर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। उसी प्रकार इन सर्टेन लैंग्वेज बर्थ इज रिटन एज ए पहला, एच क्यू से आर आता है, आर से पहले क्यू आता है, टी से पहले एस आता है, एस से पहले जी आता है, तो इसका जो लिखेंगे हम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज में जो लिखेंगे उसका आएगा एक्स एंड टी एम एफ। इन सर्टेन कोड मैच इज रिटन एज एन ओ, इसमें क्या हो रहा है कि एन साइलेंट हो रहा है, एक लेटर साइलेंट होने के बाद नेक्स्ट लेटर आ रहा है, तो इसमें ओवर में क्या लिखेंगे ओ पी क्यू आएगा, वी डब्ल्यू यहाँ एक्स आएगा, ई एफ के बाद जी आएगा, आर एस के बाद टी आएगा, ओके?